For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Hello guys, this is Jyoti Nahak and welcome to Movies Adda. Anoop Jalota, जो कि season 12 के contestant रह चुके हैं, उन्होंने हाल ही में एक बहुत ही बड़ी बात कह दी है, जिससे I'm sure कि जो सिद्धार्थ शुक्ला के fans हैं, वो जरूर upset होने वाले हैं. और वो बात क्या है, चलिए बताती हूँ. वेल, हाल ही में अनूप जलोटा जो हैं वो एक स्पेशल सेगमेंट के लिए नजर आए, जहां पर उनसे जब सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक बहुत ही वियर्ड स्टेटमेंट दिया. कौन सिद्धार्थ शुक्ला? मैं शायद सिद्धार्थ शुक्ला को जानता भी नहीं हूँ, मैं पहचान भी नहीं पाऊंगा. मतलब इतनी बड़ी बात, पूरा बिग बॉस सीजन फॉलो करने के बाद, क्योंकि काफ़ी स्टेटमेंट्स दिए हैं उन्होंने, जब वो ऑल ऑफ अ सडन जब सिद्धार्थ के बारे में पूछा जाता है, जो कि विनर है बिग बॉस सीजन 13 के, उनके बारे में बात करते वक्त अनूप जलोटा ये बात कहते हैं कि सिद्धार्थ को मैं शायद पहचान भी ना पाऊँ अगर वो मेरे सामने आए, क्योंकि मुझे उनकी शक्ल याद नहीं है. इतना बड़ा स्टेटमेंट कहीं ना कहीं, अब ये सार्कास्टिकली कहा गया है या रियल में कहा गया है, ये अपने आप में जाने वाली बात है, लेकिन फैंस इस स्टेटमेंट से ज़रूर अपसेट हैं. और साथ ही साथ जब अपनी बिग बॉस की जर्नी के बारे में बात की जाए, तो अनूप जलोटा सर ने ये भी कहा कि मुझे बिग बॉस का मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा, और कम समय बिताया लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा. अगर बिग बॉस वापस इन्वाइट करते हैं मुझे किसी स्पेशल सेगमेंट के लिए, तो मैं बिल्कुल खुले दिल से बिग बॉस के घर में वापस जाना चाहूँगा, यानी कि जो शो चल रहा है मुझसे शादी करोगी उसमें वापस एक बार जाना ज़रूर चाहूँगा, अगर बिग बॉस, अगर कलर्स जो है वो मुझे इन्वाइट करता है तो. ये तो हो गई अनूप जलोटा सर की बात, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला को इनडायरेक्टली डिसरिस्पेक्ट किया है, उस पर सिद्धार्थ का क्या कहना है, ये आप लोग कॉमेंट्स करके बताइए. दिस इज ज्योति नाहा साइनिंग ऑफ.